नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी और अभी मैं हूं फरीदाबाद के सबसे बड़े और सबसे पुराने कॉलेज में यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में। और यहां पर आज प्रिंसिपल पद की नियुक्ति हुई है डॉक्टर रुचिरा खुल्लर जी की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्रताप जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट से लेके और अब प्रिंसिपल आप बनी हैं, इसी कॉलेज से आपने शिक्षा प्राप्त की, फिर यहाँ पर पढ़ाई बच्चों को भी पढ़ाया और अब प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, तो कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? दिस कॉलेज सीम्स टू बी अ सेकेंड होम टू मी। फर्स्ट आई वॉज स्टूडेंट, देन आई वॉज टीचर एंड नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज़ प्रिंसिपल। तो ये मुझे बहुत अपना लगता है और मेरा एक विजन है, मैं इस कॉलेज के लिए कुछ करना चाहती हूँ दिल से, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और अपनी पसंद से आई हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सरकार ने भेजा है, मेरी चॉइस है ये कॉलेज में यहाँ पर आना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब हम टीचर थे, जब हम स्टूडेंट थे, हम सोचा करते थे कि ये होना चाहिए, लेकिन जब आपको पावर मिलेगी, वही है मनी मेक्स द मेयर गो, जब आपके पास ड्राइंग एंड डिस्पर्सल पावर होगी तभी आप कर पाएंगे। मेरे पास एक विजन है, आई वांट कि चौमुहा जिसे विकास कहते हैं, एकेडमिक्स कल्चरल, मैं चाहती हूँ कि अपना एक फेस्ट कराएं हम। बच्चे नए आते हैं, कुछ नहीं उनको पता होता, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराऊंगी मैं। मतलब ये मेरा कुछ विजन है जो अभी कुछ 2-3 महीने के लिए है। अच्छे एडमिशन हो उस पर, हो स्किल पे, हो मेरिट पे, हो और उन बच्चों को हम बताएं, एक उनको इंडक्शन प्रोग्राम दें कि क्या है ये कॉलेज, क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अगर मैं एक तुम्हारी तरह स्टूडेंट एक बार में नहीं आई थी और मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो आप कहीं पे भी पहुँच सकते हो। बहुत अच्छे, और आप भी प्रताप जी, आप भी यहीं के एलुमनाई हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जब ये नए बच्चे अभी, क्योंकि मेरे ज्वाइन करते ही जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एडमिशंस, तो आई वुड लाइक कि बेस्ट ऑफ द लॉट आए और उन बच्चों को आप भी ज़रूर आइएगा और एक एल्यूमनाई से लेक्चर सीरीज कराऊंगी कि अगर वो वहाँ बैठने के बाद इस पद पे पहुँच सकते हैं तो बच्चों आप भी इनसे भी ऊपर पहुँच सकते हो एंड यू आर इन द राइट हैंड्स। शिक्षा क्षेत्र का बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है, अकेडमिक तौर और सोशली तौर पर बच्चों को किस तरह से मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आपका क्या विजन है? सबसे पहले तो संस्कार होने चाहिए, मतलब आप कितनी ही डिग्रियां हासिल कर लें लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो मेरे ख्याल से वो डिग्रियां सब कोई किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो NSS का प्रोग्राम जैसे होता है उसकी तरफ, NCC की तरफ, इसकी तरफ बच्चों का हम रुझान कराना चाहेंगे। और जो है मैं यही चाहूँगी कि कल्चरल में, मतलब सिर्फ पढ़ाई में नहीं, चारों तरफ कल्चरल, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, और सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नया ये जो जिम्मा दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जिसके अंदर आप एक स्ट्रीम में बंध के नहीं रह सकते। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये नहीं कि आपको कॉमर्स नहीं आता, उनका ये मानना है कि अगर कॉमर्स के हैं तो हिस्ट्री आनी चाहिए, हिस्ट्री के हैं तो कॉमर्स आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप बॉटनी के नहीं हैं तो आपको फूल पत्तों का नहीं पता। तो चारों तरफ से आपको जो है चौमुखी विकास, जिसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज़ नेसेसरी एंड आई थिंक आई शुड कंसंट्रेट मोर ऑन दैट। अगर बात करें, चलिए हमारे फील्ड की बात करते हैं, जर्नलिज्म क्षेत्र की, और वो मेरे ख्याल से अभी नेहरू कॉलेज में कोर्स नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए क्या आगे कुछ इस तरह के कोर्सेज भी ऐड ऑन होने की संभावना है? जी हाँ, डायरेक्टरेट से ये है कि स्किल कोर्सेज हों, तो 6 मंथ्स के जो कोर्स हैं वो शायद प्रिंसिपल जो है वो अपने स्तर पे शुरू कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू सी कि जर्नलिज्म, क्योंकि हमारे पड़ोसी कॉलेज में है तो थोड़ा उनको लगता है कि एक कॉलेज में है तो हम दूसरे में क्यों दें, नहीं, डायरेक्टरेट अच्छा। वालों को लगता है कि फरीदाबाद में एक जगह ये कोर्स हो गया तो दूसरे में, लेकिन वहाँ सिर्फ गर्ल्स का है और यहाँ अब सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों जाएं, जर्नलिज्म में लड़के भी जा सकते हैं, तो लड़कों के लिए भी यहाँ पे होना चाहिए। आपका बहुत अच्छा सजेशन है प्रताप जी, एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे जर्नलिज्म का एक कोर्स हो। अच्छा, बात करें नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग, हम देख रहे हैं काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बिल्डिंग का काम भी चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप सीट पे आ चुकी हैं, आपके साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, स्टाफ को लेकर भी है, बच्चों को लेकर भी है, तो ये बिल्डिंग को लेकर कब तक इस कंडम बिल्डिंग में बैठे रहेंगे? हाँ, बिल्डिंग को लेकर ये है कि एक लॉट आया था शायद 24 करोड़ का, जो ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सरकारी काम है, टाइम लगता है। अब जब ये नेक्स्ट लॉट जो है हमारा रिलीज़ होगा पैसे का, तो उसके बाद मुझे उस दिन
एक इंस्पेक्शन टीम आई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही पैसे आएंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपको, और आई थिंक इलेक्शन ईयर है तो और ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आप इस सीट पर बैठी हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको आप अच्छे से निभाएंगी, और बच्चे को फ्यूचर, जो कि नए नए बच्चे हैं और नए नए कोर्सेज कॉलेज में लाने की कोशिश करेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।